भारत में इन दिनों चुनाव का मौसम है और चुनाव के इस मौसम में सियासत का पारा हाई है। हर सियासी दल सोशल इंजीनियरिंग से लेकर वादों की एक लंबी लिस्ट के साथ मतदाताओं के पास जा रहा है और सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की आस लगा रहा है। मगर चुनाव के इस मौसम में गारंटियों की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है, लेकिन नेता हो या मतदाता, हर कोई एक बड़े खतरे की घंटी से बेखबर नजर आता है। यह घंटी फिलहाल भारत से करीब 3000 किलोमीटर दूर रूस में बज रही है, उस रूस में जो बीते 2 साल से यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। वो रूस जिसका जिक्र आते ही सर्द इलाकों की एक तस्वीर आपके जहन में उभरती है, लेकिन रूस से आ रही ताजा तस्वीरें सैलाब की हैं। एक ऐसे सैलाब की जिसने बीते 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो रूस की 1 लाख से ज्यादा की आबादी को अपनी चपेट में ले चुका है। बाढ़ का पानी रूस की कई बस्तियों को ही नहीं बहा रहा, बल्कि उसके पड़ोसी मुल्क कजाकिस्तान के कई इलाकों को भी उजाड़ रहा है। रूस और कजाकिस्तान का यह संकट केवल इन 2 देशों का नहीं, बल्कि दुनिया की 8 अरब की आबादी के लिए खतरे का नया अलार्म है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर रूस में आए इस संकट को हम भारत से आखिर कैसे जोड़ सकते हैं? इसे भारत के कल के लिए चेतावनी आखिर हम क्यों कह रहे हैं? आपको बताएंगे रूस की बाढ़ का इंडिया एंगल। लेकिन उससे पहले सवालों की ये प्रश्न कुंडली जरा देख लीजिए। क्या रूस में आ रही बाढ़ का भारत के मौसम से कोई नाता है? कैसे रूस और कजाकिस्तान में आए सैलाब में भारत के लिए भी खतरे के संकेत है? क्यों यह बाढ़ भारत और रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बढ़ते खतरे का एक नया अलार्म है? कितनी बड़ी आबादी यूरेशिया में पैदा हो रहे इस नए खतरे की जद में है? कहां तक पहुंची है इस बड़े खतरे से निपटने की तमाम तैयारियां? जिस पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के जरिए पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया, वही पुतिन प्राकृतिक आपदा के सामने असहाय नजर आ रहे हैं। 14 करोड़ की आबादी वाले रूस की 1 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की जद में आ चुकी है। यूराल नदी में पानी बढ़ने के बाद बुधवार को रूस और कजाकिस्तान के शहरों और कस्बों में बाढ़ आ गई। इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। लोग शहरों से पलायन करने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश के कारण दक्षिणी यूराल के ओर्स्क के पास एक बांध टूट गया। वहीं आसमान से बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण पानी घट रहा है और नतीजा ये कि रूसी शहर ओरेनबर्ग के कई हिस्से पानी में डूब चुके हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि रूस और कजाकिस्तान के कई इलाकों में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये जो मंजर है, ये हमें पूरे विश्व में अब दिखाई देता रहेगा। एक तरफ तो चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होगी, जहां अल्पवृष्टि है वहां रेगिस्तानीकरण बढ़ेगा, और फ्लैश फ्लड्स जैसी स्थिति जहां जहां पर्वत श्रृंखला है वहां वहां पर आएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब भी तापमान में एक बहुत ही अनियमित गिरावट और उसके बाद चढ़ाव होता है, तो पहले एकदम से सतह पर बर्फ का जमावड़ा हो जाता है, और फिर वो जब उसका लिक्विफिकेशन होता है तो तुरंत ही वो बाढ़ के रूप में, फ्लैश फ्लड के रूप में नदियों में आकर या अपने रास्ते अपना मार्ग खुद बनाकर तबाही मचाते हैं। रूस के इस संकट वाली तस्वीरों से भारत को सतर्क क्यों रहना चाहिए, इस बारे में आपको बताएं। उससे पहले भारत के मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट देख लीजिए। जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनावी महासमर में है, तब सियासत का ही नहीं मौसम का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही कई इलाकों में लू चलने लगी है। मौसम विभाग का ताजा आकलन कहता है कि अप्रैल, मई और जून के महीनों में तापमान का पारा औसत से ज्यादा रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लू के थपेड़ों ने लोगों को अभी से परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग लू की स्थिति घोषित कर देता है जब मैदानी इलाकों में तापमान का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाता है। वहीं तटीय इलाकों में अगर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो हीट वेव की स्थिति घोषित कर दी जाती है।
गर्मी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी तापमान का आकलन तो करती है, लेकिन नमी को इसमें शामिल नहीं करती है। जबकि असलियत यह है कि देश के कई इलाकों में तापमान बढ़ने की स्थिति को नमी और भीषण बना देती है। यानी ऐसी स्थिति के अंदर तापमान भले ही कम हो, लेकिन नमी के कारण गर्मी असहनीय हो जाती है। बीते कुछ सालों में गर्मी के पैटर्न को देखें तो दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाके गर्मी से त्राही त्राही कर जाते हैं। यही इलाके भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले भी हैं और इन्हीं इलाकों में लोकसभा की 350 से ज्यादा सीटें भी हैं, जहां इसी गर्मी के बीच चुनाव हो रहे हैं। एक आधुनिक व्यवस्था, क्योंकि नितिन जी ने नए नए प्रयोग किए, उनके गाड़ी में भी इस प्रकार की मिस्ट की व्यवस्था की है। वो मिस्ट के माध्यम से पानी के फवारे छोड़कर हवा की व्यवस्था है, उसके साथ शरीर पर भी पानी के फवारे आए, उसका एक फायदा होता है। केवल मात्र एक नई व्यवस्था करने का प्रयास किया और ये कड़ी धूप से बचने के लिए वहाँ रहने वाले कार्यकर्ता और पुलिस विभाग के लोग, उनकी सारी सबकी व्यवस्था ठीक हो, इसलिए प्रयास किया गया। देश में 5 साल के लिए सत्ता किसे सौंपनी है, इसका फैसला तो आप अपने वोट से कर ही लेंगे। लेकिन चुनावी मौसम में एक और मुद्दे की चर्चा भी बहुत जरूरी हो जाती है, जो धरती हम सब के भविष्य की है। चलिए लौटते हैं उस सवाल पर जिसके साथ हमने देश हित की शुरुआत की थी, यानी रूस की बाढ़ का हमारे देश की हवा से आखिर क्या संपर्क हो सकता है, क्या नाता हो सकता है भारत में बढ़ रही गर्मी का रूस में आई बाढ़ के साथ। यूरोप, अमेरिका, भारत समेत दुनिया में गर्मी का कहर ढा रहे मौसम के मौजूदा मिजाज की बड़ी वजह अल नीनो प्रभाव को बताया जा रहा है, जो बीते 2 सालों से लगातार जारी है। अल नीनो एक सामान्य मौसमी घटना है। भूमध्य रेखा के करीब समंदर के तापमान को अल नीनो बढ़ाता है। अल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाता है। इसका असर केवल समंदर तक ही नहीं, पहाड़ों की बर्फबारी तक मौसम के सिस्टम को प्रभावित करता है। अल नीनो से बढ़े तापमान के कारण पहाड़ों की बर्फ ज्यादा तेजी से पिघलने लगती है और मैदानी इलाकों में अनियमित बारिश होती है, बाढ़ आती है। रूस की यूराल नदी यूराल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो यूरेशियन प्लेट में पड़ती है। भारत की टेक्टोनिक प्लेट यानी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ करीब 6 करोड़ साल पहले टकराई थी और इसी के साथ हिमालय भी पैदा हुआ था। उससे पहले भारत एक आइलैंड यानी द्वीप हुआ करता था, जो जाकर यूरेशिया से टकराया। जब जमीन के ये दोनों टुकड़े धरती पर आपस में टकराए तो हिमालय खड़ा हो गया। इस विषय पर शोध कर रहे कई जानकारों का मानना है कि यूराल साइबेरिया ब्लॉक हिमालय में मौसमी परिवर्तन के लिए मुख्य वजह है। यूराल साइबेरिया ब्लॉक द्वारा ट्रिगर की गई असामान्य ठंड और गर्मी के आधार पर तापमान घटता बढ़ता है और यह हिमालय के विभिन्न इलाकों में बारिश या बर्फबारी के लिए भी जिम्मेदार है। हमने देखा है कि इसी जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों में लगभग 30,000 बड़ी बड़ी विशाल झीलें जो हैं वो हिमालय के क्षेत्र में उनका निर्माण हुआ है। उनमें से 188 झीलें तो एकदम रेड जोन में है। एक झील के फटने पर केदारनाथ जैसी महात्रासदी हुई थी, तो आने वाले समय में अतिशोक्ति लगेगा। दक्षिण चीन सागर में उभरते हुए द्वीप विवाद हो या भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर चल रही तनातनी, तिब्बत पर चीन के कब्जे का मामला हो या कचती हुए द्वीप पर मछुआरों का मसला, इन सभी के पीछे भोजन और पानी के स्रोत को सुरक्षित रखने की लड़ाई नजर आती है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पीने के साफ पानी, सिंचाई के जल और सैलाब के पानी को बांधने के लिए बांधों के मुद्दे पर जद्दोजहद तेज हो रही है मौसम के बदलते मिजाज के कारण। जलवायु परिवर्तन का आकलन हम पिछले कुछ सालों से हिमालय राज्य में हुई आपदाओं की घटनाओं के साथ भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में बादल फटने की घटना हो या चमोली में बाढ़ की तबाही, हिमाचल में आपदा हो या पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूस्खलन की खबरें, ये सभी खबरें हमें लगातार आगाह करती रहती हैं। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की पहली तिमाही में मार्च ने बढ़ते तापमान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल मार्च का औसत तापमान 1850 से 1900 के बीच मार्च में दर्ज किए गए औसत तापमान से 1.68 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। 2024 में मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर सतह के पास हवा का औसत तापमान 14.14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1991 से 2020 के बीच मार्च में दर्ज औसत तापमान से 0.73 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बढ़ते तापमान के ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी धरती तेजी से गर्म हो रही है, जिसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। यही रफ्तार रही तो भविष्य बेहद भयावह होगा।
इतना ही नहीं, इसका तात्कालिक असर हमारे भोजन की थाली पर भी तेजी से नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्री सतह के तापमान में आया 1 डिग्री सेल्सियस का बदलाव मछली पकड़ने की संभावना को 9% तक कम कर देता है। इसका असर केवल मछली पर ही नहीं बल्कि दाल और रोटी पर भी पड़ता है। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 2015 में हुए शोध के मुताबिक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर गेहूं का उत्पादन 4 से 5 मीट्रिक टन तक कम हो जाता है। वहीं तापमान का पारा अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो मध्यम आय वाले उभरते हुए बाजारों की आर्थिक विकास दर सालाना 0.9% तक घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो लोगों की लाइफ साइकिल भी प्रभावित होगी, मौसम का चक्र प्रभावित होगा, गर्मी का समय लंबा होता जाएगा तो कभी जाड़े का समय लंबा होता जाएगा, तो कभी जो है बर्फ जो है काफी ज्यादा गिरेंगे, तो उससे जब आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी, और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी तो आपके सारे जो इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो भी प्रभावित होगी, उसके कारण इकोनॉमिक साइकिल जो है पूरा चेंज हो जाएगा। देश जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है, ऐसे वक्त में जलवायु परिवर्तन की ये चुनौती हमारे सामने खड़ी है। खासकर इसका सबसे बड़ा असर खेती और कृषि उत्पादन पर होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म लहरों की तीव्रता से न केवल पशुओं में रोगों के बढ़ने की आशंका बढ़ती है, साथ ही पशुओं के प्रजनन की क्षमता और दुग्ध उत्पादन में भी कमी आती है। बड़ी आबादी और ऊर्जा खपत वाले भारत में लगातार ऊर्जा के विकल्पों की तलाश तेजी से हो रही है। इसी कड़ी में भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन की अगुवाई कर रहा है। 2023 में भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत की है। पीएम सोलर मिशन के तहत ताप विद्युत पर निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य का ऐलान भी कर चुका है। इस विश्लेषण को दिखाने के पीछे हमारी मंशा आपको डराने की नहीं बल्कि आपके सामने दिख रहे संकट को लेकर आपको आगाह करने की है, क्योंकि ये संकट किसी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र का भेद नहीं जानता। इसके सामने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हम सभी इसकी जद में आते हैं। इस संकट से निपटने के लिए हमारे कदम देश हित नहीं बल्कि विश्व हित में कारगर होंगे। वैसे भी भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आज के लिए देश हित में मेरे साथ इतना ही। Zee News.